बांसवाड़ा जिले के स्टेट हाईवे 10 पालोदा आनंदपुरी मार्ग पर रविवार को नांदरी कोटोड़ा गांव के पास मिनी ट्रक और क्रूजर जीप की जोरदार भिड़ंत में 14 लोग घायल हुए, वहीं 2 की मौत होने की खबर है। हादसे के दौरान जीप 2 बार पलटी खा गई। पुलिस के अनुसार हादसे में घायल महिला डूंगरपुर जिले के वरसिंहपुर निवासी पायल 32 वर्ष पत्नी धर्मेंद्र दर्जी की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं भावना पत्नी शिव नारायण दर्जी उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी पुनर्वास कॉलोनी की अहमदाबाद ले जाने के दौरान मौत होने की खबर है। अन्य घायलों को घटना के बाद सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। जब यह हादसा हुआ उस समय तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर भी मौके पर जमा हो गए और घायलों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार जीप सवार डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के दर्जी समाज से थे, जो सागवाड़ा से आनंदपुरी में गोद भराई के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं नांदरी कोटड़ा गांव में आनंदपुरी तरफ से आ रहे मिनी ट्रक ने सामने से जीप को जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में जीप 2 बार पलटी खा गई, वहीं मिनी ट्रक भी 50 फीट आगे जाकर रुकी, जिससे आगे का भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। घायलों में हिमानी पत्नी युगल टेलर उम्र 25 वर्ष निवासी डूंगरपुर, विधान पुत्र देवेंद्र दर्जी उम्र 20 वर्ष निवासी सागवाड़ा, धर्मिष्ठा पत्नी गटुलाल दर्जी उम्र 60 वर्ष निवासी सागवाड़ा का राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं संतोष दर्जी निवासी डूंगरपुर को इलाज के बाद घर भेजा गया है। हादसे के दौरान जीप के पीछे घायलों के अन्य परिजन भी निजी वाहनों से आ रहे थे, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से क्रेन की मदद से हटाया गया और मामला दर्ज कर जांच अनुसंधान प्रारंभ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।